अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। जैसे कि हमें पता है कि हार्ट हमारे पास जो है पूरी बॉडी में ब्लड को पम्प करता है, लेकिन हमें पता है किस तरीके से पंप करता है, उसकी क्या एक्टिविटी है, कौन सा उसके अंदर कंडक्शन सिस्टम है, उसकी कंडक्शन सिस्टम के एलिमेंट कौन से। आज इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करें। जैसे कि हमें पता है कि हार्ट हमारे पास पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, और हार्ट हमारे पास एक पंप है जो मसल टिश्यू का बना हुआ होता है। तो हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, वो रेगुलेट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम से, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट के चैम्बर की और ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में, और इसी तरीके से कार्डिक साइकिल चलती रहती है और इसी तरीके से हार्ट हमारा बीट करता रहता है। स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम हमारे पास स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सेल है जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो हमारे पास उसके कितने एलिमेंट है, उसके एलिमेंट है हमारे पास 4। साइनो आर्ट्रियल नोड, जिसको हम SA नोड कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम AV नोड कहते हैं, इसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस, जो बंडल ऑफ हिस डिवाइड होकर लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। देन हमारे पास परकिंजी फाइबर। अब आप देख सकते हैं, आपके पास ये एक एनिमेशन आ रही है किस तरीके से हमारे पास सिग्नल की ट्रांसमिशन हो रही होती है, कि साइनो आर्ट्रियल नोड से ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, और इतनी रैपिडली जनरेट करता है कि दोनों आर्ट्रिया में इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाता है। बहुत फास्टली ये काम करता है, इसको किसी की भी स्टिमुलस की नीड नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट के अंदर दोनों मसल्स में, दोनों साइड पर आर्ट्रिया के। देन वो इम्पल्स हमारे पास AV नोड पर आती है, इसी तरीके से हमारे पास इम्पल्स जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, ये साइकिल चलती रहती है हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में। अगर हम इसी चीज़ को डिवाइड कर स्टेप्स में देखें कि हमारे पास हर किसी का स्टेप में परफॉर्म कैसे हो रहा है, पहले सिग्नल कहाँ पर आ रहा है, पहले इम्पल्स किसको रिसीव हो रही है, और किस तरीके से सिग्नल की ट्रांसमिशन हो रही है, और किस तरीके से हमारे पास ब्लड पम्प होगा, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम हमारे पास SA नोड या फिर साइनो आर्ट्रियल नोड से स्टार्ट होता है। अब साइनो आर्ट्रियल नोड हमारे पास कहाँ लोकेट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे पास लोकेट होता है राइट एट्रियम की बैक वॉल पर लोकेट होती है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा दोनों आर्ट्रिया में, लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया में। अभी ये रेस्ट स्टेट के अंदर है, अभी कोई इम्पल्स इसमें जनरेट नहीं हुई स्टेप वन के अंदर। जैसे ही इम्पल्स जनरेट होगी तो ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। इसको कोई नर्व स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती ब्रेन से, ये ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा होता है, ऐसे नोड की ये एबिलिटी होती है। इसकी वजह से हमारे पास जो हार्ट बीट की बेसिक रिदम है वो भी मेंटेन होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे पास SA नोड है। सेकंड स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं एक्शन पोटेंशियल जैसे ही इनिशिएट हुआ हमारे पास, तो हमारे पास इम्पल्स ट्रांसमिट होना शुरू हुए, इम्पल्स ट्रांसमिट हुए। इसी वजह से SA नोड हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, इम्पल्स को इनिशिएट करता है, तो इसी वजह से इसको हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। अब हमारे पास जो है सिग्नल कहाँ पर आ गया, अब हमारे पास सिग्नल कहाँ पर पहुँच गया, हमारे पास पहुँच गया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर। हमारे पास आर्ट्रिया, दोनों आर्ट्रिया आप देख रहे हैं पर्पल कलर की हो गए, तो इसका मीन्स कि हमारा इम्पल्स जनरेट हो गया, यहाँ पर इम्पल्स ट्रांसमिट हो गया। अब हमारे पास इम्पल्स कहाँ आ गया, AV नोड पर। SA नोड हमारे पास बहुत फास्टली ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को, लेकिन AV नोड में थोड़ा डिले आता है, 100 मिलीसेकंड का डिले आता है, देन हमारे पास वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को। फिर हमारे पास जो सिग्नल है फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास आ जाएगा AV नोड से बंडल ब्रांचेस में और परकिंजी फाइबर में। बंडल ब्रांचेस या फिर इसको हम बंडल ऑफ हिस भी कह सकते हैं, जो बाद में जाकर लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा सिग्नल अब इम्पल्स जो है कहाँ पर ट्रांसमिट हो गई, पहले बंडल ब्रांचेस में गई, फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट, फिर देन परकिंजी फाइबर के अंदर। अब जो हमारा स्टेप है फिफ्थ के अंदर, इसके अंदर हमारे पास ये जो लोअर डाउन जो मसल्स थे,
बंडल ऑफ हिस्से और पर्किंजी फाइबर से सिग्नल कहाँ पर ट्रांसमिट होगा? अब हमारे पास इम्पल्स कहाँ पर आएगी? मायोकार्डियम पर, यानी कि कार्डिक मसल्स टिश्यूज पर। वहाँ से हमारे पास दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर जो होंगे वेंट्रिकल के, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे और हमारे पास आप देख सकते हैं पर्पल कलर हो गया, और हमारे पास एट लास्ट जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वेंट्रिकल का डायमीटर कम हो गया और वेंट्रिकल लास्ट स्टेप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसको हम कार्डिक कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, वो इस तरीके से वर्क कर। अगर ऐसे नोड हमारा इस सिग्नल को या फिर इम्पल्स को जनरेट ना करे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सम टाइम आपको पेस मेकर लगवाना पड़ता है अगर आपका नेचुरल पेस मेकर वर्क ना करे, यानी कि ऐसे नोड वर्क ना करे तो। है आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।